दोस्तों, आज हम GLS की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं Hyundai Creta की पुश स्टार्ट बटन की गाड़ी के अंदर। इसमें हम विद रिले इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। और ये है इसका डैशबोर्ड। बाकी अभी इसकी हम स्टार्ट वगैरह करके एक बार चेक कर लेंगे पहले। और यहाँ पे इसका पुश बटन है जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ चेक कर लेंगे पहले। पार्किंग में होनी चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। इसमें कोई क्लच वगैरह नहीं है तो इसलिए सीधी आगे हो जाएगी गाड़ी, तो ये सब चीज़ चेक कर लेंगे पहले। तो ऐसे ऑन नहीं होगी ये, इसकी चाबी को हमें अंदर रखना होगा। चाबी को हम यहाँ पे रख लेंगे, चाबी अंदर होनी चाहिए, यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद ऑन करेंगे सिंगल पे, इसमें यहाँ पे लाइट आ चुकी है। उसके बाद जब सेकंड टाइम में प्रेस करेंगे उसके बाद मीटर में लाइट आ जाएगी, तो हमारी इग्निशन जो है ऑन हो चुकी है। उसके बाद इसकी ब्रेक दबा के फिर उसे दोबारा से प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसके अंदर कोई इंजन चेक की लाइट वगैरह नहीं ब्लिंक कर रही है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो अभी हम इसके अंदर रिले के साथ इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, तो अभी आगे का जो भी प्रोसेस है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसके साइड का जो है ये खुलेगा, लॉक होता है, इसके अंदर कोई पेच नहीं होते। तो इस गाड़ी का जो है फ्यूज बॉक्स है, इस फ्यूज उसके अंदर यहाँ पे 30 नंबर के अंदर हमारे को पावर देनी है। और ये यहाँ पे तीसरे नंबर का जो फ्यूज है रेड वाला 10 नंबर का, ये हमारा कट ऑफ वाला है। तो अभी जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट है, अभी अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। निकाल के भी आपको दिखाता हूँ, गाड़ी हमारी जो है स्टार्ट नहीं होगी, अभी जो है स्टार्ट है गाड़ी। तो अभी देखो हमने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। अब इसको बंद करने के बाद अब अगर हम इसे निकाल लेते हैं, तो ये निकालने के बाद अब जैसे हम इसे ऑन करते हैं, अब सेल्फ करते हैं, तो सेल्फ हमारी जो है नहीं लेगी, तो जो हमारा कट ऑफ है वो यहाँ से लगेगा। तो हम इसकी आगे की वायरिंग करके और दिखाते हैं आप। तो दोस्तों, अब जो हमारे जो है कनेक्शन हो चुके हैं, ये जो है हमने यहाँ पे तीसरे नंबर पे लगा रखा है, ये हमारा जो है सेल्फ वाली फ्यूज है इससे हमारी, और हमने यहाँ से इसका कनेक्शन लगा के यहाँ पे ले आए हैं। और ये जो इसकी ये लगी हुई है यहाँ पे पावर है, 30 नंबर के फ्यूज़ के अंदर हमारी पावर आ रही है, तो ये पावर की वायर हम यहाँ पे ले आए हैं। और अर्थ के लिए हमने ये थिम्बल का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और ये हमारी रिले कनेक्शन है, और इसके बीच में हमने एक फ्यूज़ बना के लगाया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम ना जाए, पहले ये फ्यूज़ यहाँ से उड़ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे आके दोबारा से चेक कर लेंगे किस वजह से ये फ्यूज़ उड़ा है, कोई स्पार्किंग हुई है या कोई शॉर्ट हुआ है। और ये हमने यहाँ पे रिले लगाया है, तो इसकी जो है दोनों साइड इन आउट में लगा देंगे, और बाकी इग्निशन इसी के अंदर लगा देंगे। ये सारे कनेक्शन अब जो हमारे डन हो चुके हैं। इसके अंदर हमने EV02 डिवाइस का यूज़ किया हुआ है, इसकी वायरिंग तो आपको पता ही है। ये पावर है, ब्लैक अर्थ है, ऑरेंज इग्निशन है, और पिन रिले की है। तो हमारे जो है कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम जो गाड़ी को ऑन वगैरह करके भी चेक कर चुके हैं, गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसे लगाने से, रिले से इस तरीके से लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ओके काम कर रहा है। तो अभी हम इसको पैक करके दिखाते हैं। इसे हमने अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, इसमें लॉक वाला सिस्टम है, रबड़ वगैरह हमने बैठा दिए। अब जो डिवाइस को हम अंदर को फिट कर देंगे, तो इसको टेपिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर देंगे, कोई वायर इधर उधर ना हो। तो जो हम इसके इस गाड़ी के अंदर आपको आगे से भी दिखा देंगे कि रिले वगैरह का जो है रिले इंस्टॉलेशन आगे से कैसे कर सकते हैं बोनट के अंदर से। तो ये इसका फ्यूज बॉक्स है, पावर के लिए तो हम बैटरी से भी ले सकते हैं, ये हमारा पावर का प्लस है, ये माइनस है। और फ्यूज बॉक्स के लिए यहाँ से इसको प्रेस कर लेंगे, दोनों तरह से इसे उठाएंगे तो ये निकल जाएगा आराम से। ये इसका पूरा का पूरा डायग्राम है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये जो तीसरे नंबर की जो फ्यूज़ है 40 नंबर की, ये हमारी सेल्फ वाली जो फ्यूज़ है, यहाँ से भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए इसमें क्लिप वगैरह दी हुई है यहाँ पे, इससे निकाल के यहाँ पे हमारे को अपने रिले का जो इन आउट वगैरह है दोनों को लगाना है यहाँ पे, और उसके अंदर ही फ्यूज़ के भी कनेक्शन करके देने हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो वो फ्यूज़ ही उड़े।
तो अब हम जो है डिवाइस को हम पैक करके दिखा देते हैं, तो यहाँ से भी आपको पता लग गया है इग्निशन के लिए भी यहीं से यूज़ हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन करी है, अब हमने आपको दोनों जगह की जो है डायग्राम वगैरह बता दिया है कि कहाँ से वायरिंग होगी, कैसे इग्निशन लगेगी। हमारे जो कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, हमने गाड़ी के अंदर जो डिवाइस को यहाँ पे अंदर इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे इंस्टॉल किया है, और बाकी वायरिंग वगैरह मैंने आपको पहले बता दी। तो गाड़ी का हम जो है पैक कर देंगे, ऐसे लगा दें। गाड़ी जो है पैक हो चुकी है, तो एक बार इसे ऑन वगैरह करके देख लेंगे। इंस्टॉलेशन अब हमारी डन हो चुकी है, अब हम इसको एक बार ऑन वगैरह करके चेक कर लेंगे। सिंगल प्रेस करने के बाद इसमें लाइट आ जाएगी जैसे पहले आ रही थी। सेकंड प्रेस करने के बाद इग्निशन ऑन हो जाएगा इसका, और इसके बाद इसकी ब्रेक दबा के फिर दबाएंगे इसको तो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब इंस्टॉलेशन हमारी जो है हो चुकी है, अब हम चाबी इसकी हैंड ओवर कर देंगे। तो हमारी इंस्टॉलेशन वगैरह डन हो चुकी है, तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। बताना हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आपको कैसा इसके अंदर सब कुछ समझ में आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।